दोस्तों नमस्कार। आज बहुत भारी मन के साथ मुझे ये वीडियो मैसेज बनाना पड़ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह से मेरी दिल्ली के अंदर मौत का तांडव मचा रखा है, उसके बारे में कुछ आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहती हूँ। दोस्तों सबसे पहले आज ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार को बहुत फटकार लगाई है कि किस प्रकार से उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट्स जो दिल्ली में लगने चाहिए थे वो नहीं लगाए। बताना चाहती हूँ कि दिसंबर 2020 में केंद्र की मोदी सरकार ने 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए दिल्ली सरकार को अप्रूवल भी दिया और फंड्स भी दिए, लेकिन दिल्ली सरकार ने सिर्फ एक ही प्लांट ऑपरेशनल किया, बाकी 7 का पैसा डकार गए। और आपको जानकर हैरानगी होगी कि पिछले एक साल में आरटीआई के डॉक्यूमेंट के हिसाब से वो एक साल में 293 करोड़ रुपया अपनी एडवर्टीजमेंट पे खर्च चुके हैं। क्या ये वही 7 ऑक्सीजन प्लांट्स का पैसा है? पूछना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी, इसके बारे में जवाब दीजिए। नंबर 2, मैं ये पूछना चाहती हूँ, 2015 से लेकर 2019 तक अगेन आरटीआई के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आपने एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाया, आपने एक भी आईसीयू बेड नहीं डाला, आपने एक भी वेंटिलेटर नहीं किया। आप ये बताएंगे कि आपने अपनी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर जो वर्ल्ड क्लास आप उसको बोलते हैं, क्या आपने सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक बनाए जो आज के समय में उनका कहीं नाम ही नहीं है? आपको शर्म आनी चाहिए केजरीवाल जी, आपने जनता की मेहनत का टैक्स पेयर्स का पैसा सारा अपनी एडवर्टीजमेंट में खर्च कर दिया। दिन रात आप 5-5 मिनट में हर चैनल के ऊपर मॉडलिंग करते दिखाई दे रहे हैं, हर विज्ञापन में आप ही आप दिखाई दे रहे हैं। आपको इसलिए दिल्ली की जनता ने मुख्यमंत्री चुना था कि आप उनके पैसों को अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए खर्च करें? शर्म आनी चाहिए। आज दिल्ली के अंदर हर एक मौत का जिम्मेवार आप हैं। आज दिल्ली के अंदर हर परिवार जो अपने सामने ऑक्सीजन ना मिलने के कारण तड़प तड़प के अपने प्रियजनों को खो रहा है, उसके जिम्मेवार आप हैं। आप उनके लिए एक कातिल की तरह प्रूव हो रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। और याद रखिए, आपकी अपनी अंतर आत्मा आपको बार बार कचोटेगी जिस तरह का आपने ये बुरा काम किया है। याद रखिए, दिल्ली की जनता इसको याद रखेगी और आपको बिल्कुल माफ नहीं करेगी।